हाँ मेरी फाइनल ईयर, सॉरी। यहाँ हमने बात की है आपके किसके बारे में, आपके स्टमक के बारे में, ठीक है। ये स्टमक आके जाकर किसमें खुलता है, इंटेस्टाइन में। इसे चलिए रफ करते हैं हम। स्टमक जो है किसमें खुलेगा आगे जाकर, इंटेस्टाइन में खुलता है, ठीक है। इंटेस्टाइन की जब हम लोग बात करें क्लास, तो इंटेस्टाइन टू के कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ड्यूओडेनम एंड सेकेंड इज इलियम, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं इसके, टू पार्ट्स। ड्यूओडेनम एंड सेकेंड इज इलियम, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें क्लास, पहले ड्यूडिनम के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूडिनम जो है ये होता है मेनली यू लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। यू लाइक स्ट्रक्चर का बताया जाता है मेनली। तो यू लाइक स्ट्रक्चर में ये हमेशा ड्यूडिनम में क्या आकर खुलते हैं, आपके पैनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, ठीक है ना। कितने खुलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट आकर खुलते हैं। जब हम लोग बात करें इसमें पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में, तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम की इन, ये जो दो आपके क्या प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस के बीच में रहती है पैनक्रियाटिक डक्ट। वही ये पैनक्रियाटिक डक्ट होती है टोटल थ्री, एंड बाइल डक्ट जो है ये होती है टू। आप लोग जानते हैं बाइल डक्ट है तो ऑब्वियसली सी बात है, बाइल डक्ट कहाँ से निकलती है, लिवर से निकलती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब पैनक्रियास के बारे में जब हम लोग बात करते हैं आगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, तो उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, मेनली लिवर एंड पैनक्रियास। तो वो सब चीजें अब यहाँ बताई दी जा रही है, ठीक है ना, तो वहां पर एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। जब हम लोग बात करें क्लास पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में, तो पैनक्रियाटिक डक्ट में से क्या जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो आपके ड्यूडिनम में आगे जाकर खुलता है, ठीक है। वहीं ये कितने हैं, टोटल थ्री डक्ट होती हैं। बाइल डक्ट कहाँ से होती है, लिवर से निकलती है। लिवर, लिवर के बारे में हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड मीन वन इज राइट लोब एंड सेकेंड इज लेफ्ट लोब, ठीक है ना। जब हम लोग बात करें राइट लोब एंड लेफ्ट लोब के बारे में, तो राइट लोब जो है हमेशा बड़ा होता है लेफ्ट लोब से, ठीक है ना। पिजन में क्या होगा, राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट लोब से। वहीं आप लोग जानते हैं राइट लोब जो है वो हमेशा कहाँ खुलेगा, ड्यूडिनम के डिस्टल पार्ट में खुलता है ना। राइट लोब कहाँ खुलता है, हमेशा इसके ड्यूडिनम के डिस्टल पोर्शन में जाकर खुलता है, जबकि आपका लेफ्ट लोब जो है ये हमेशा इसकी नियरेस्ट पोर्शन में खुलेगा, ठीक है। लेकिन अब ये आपका ड्यूडिनम जो है ये आगे जाकर किस में खुलता है, आपके इलियम में। जब हम लोग क्लास बात करें इलियम के बारे में, ठीक है, तो इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन पोर्शन बनाता है, ठीक है ना। सिर्फ मेन बल्कि ये सबसे, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट थिंग मानी गई है, ठीक है ना। सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, इलियम होता है। और इलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेनली विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और विलाई जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा एब्जॉर्प्शन एरिया को थोड़ा सा इनहांस कर देते हैं, जिससे आपका जो भी पिजन जो है वो कुछ भी खाना टेक करता है तो बाद में वो क्या कर सकता है, यहाँ पर विलाई जो है उसमें से न्यूट्रिटिव पोर्शन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब ज्यादा करे, इसके लिए विलाई उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइन जो है आगे जाकर किसमें खुलता है, अभी तो हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, अब हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जब हम लोग क्लास बात करें लार्ज इंटेस्टाइन, कहें आप चाहे इसे आप कह सकते हैं रेक्टम, किसी किसी बुक में आप डायरेक्ट रेक्टम के नाम से भी जानेंगे इसे, ठीक है ना। तो रेक्टम है तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें रेक्टम में भी कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगी, देखिए। और रेक्टम में ये आगे चलकर क्या बनाता है, रेक्टम सीका,
यहाँ कहीं ड्रॉ भी किया होगा। ये देखिए गिजार्ड आगे चलकर कहाँ, पैनक्रियाटिक डक्ट, ड्यूडिनम में, दिस इज अ रेक्टल सीकम, देख सकते हैं ठीक है, दिस इज अ रेक्टल सीकम। रेक्टल सीकम आगे चलकर रेक्टम में, और रेक्टम जो है वो आगे जाकर किसमें खुलेगा, आपके क्लोएका में खुलता है, जानते हैं ना इस बारे में, तो स्टार्टिंग में ही बताया था। तो क्लास अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा क्लोएका से रिलेटेड, ठीक है। इसमें मेन जो है वो क्लोएका है, हाँ भाई फाइनल ईयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके क्लोएका के बारे में, ठीक है। तो आपके जो पिजन के जो क्लोएका होता है इसमें मेनली तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं, या मैं ये कहूँ कि इसमें तीन चैम्बर्ड होते हैं तो गलत नहीं होगा। कौन कौन से होते हैं वो तीन पार्ट्स, फर्स्ट इज क्रोप्रोटियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोरियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन चैम्बर होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है क्लोएका, फर्स्ट इज क्रोप्रोटियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोरियम, ठीक है। इसमें क्रोप्रोटियम एंड प्रोक्टोरियम ये दोनों पोर्शन जो होते हैं, ये दोनों पार्ट्स थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू यूरोडियम से, ठीक है ना। या मैं ये कहूँ कि यूरोडियम जो है थोड़ा सा छोटा होता है पोर्शन, इसीलिए देखिए यूरोडियम के बहुत पास में प्रोक्टोरियम बनाया गया है, ठीक है ना। जब हम लोग क्लास बात करें आपके प्रोक्टोरियम के बारे में, तो प्रोक्टोरियम सबसे बड़ा पोर्शन होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है आगे चलकर, बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस, क्या प्रेजेंट होती है, बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस। बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस के बारे में तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे, क्या होता है बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस,
क्या होता है उसका मेन फंक्शन? नहीं, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? टू टाइप्स के लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो इसे हम बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? तो बोन मैरो में तो आपका टी लिम्फोसाइट भी बनता है, फिर उसको क्यों नहीं कहते बी लिम्फोसाइट, उसको टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? हाँ, उसका मैचुरेशन जो है वो थायराइड ग्लैंड में होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है। लेकिन आपका जो बी लिम्फोसाइट होता है, जब हम बात करें बर्ड्स में, ठीक है, तो उसका मैचुरेशन जो है, बनती तो आपकी किस में है? बोन मैरो में ही है, ठीक है। दोनों ही टाइप के या ऑल टाइप के जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? हाँ बेटा, बोन मैरो में तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही बनते हैं, लेकिन हम बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? टी लिम्फोसाइट का तो उन्होंने बता ही दिया कि टी लिम्फोसाइट को क्यों कहते हैं टी लिम्फोसाइट, क्योंकि मैचुरेशन जो है वो थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करें बी लिम्फोसाइट की, तो इन बर्ड्स में बुर्सा और फैब्रिसियस में बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है। बोन मैरो में तो उनका क्या होगा, ओरिजिन होगा, लेकिन मैचुरेशन जो है बुर्सा और फैब्रिसियस में होता है, इसीलिए इस बुर्सा की वजह से उसे हम बी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ अपनी बात में थोड़ा सा संशोधन कर देती हूँ कि बुर्सा और फैब्रिसियस सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं बर्ड्स में नहीं पढ़ते, हम खुद में पढ़ते हैं, है ना, हम लोग खुद में पढ़ते हैं ना ह्यूमंस में। तो बुर्सा और फैब्रिसियस हमेशा ह्यूमंस की स्प्लीन के बराबर मानी गई है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं, सॉरी, कि आपका ये जो होता है, सॉरी, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कहाँ बनेंगे? बोन मैरो में बनेंगे, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स जो है उनका मैचुरेशन कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, है ना। स्प्लीन के अलावा और भी जगह में होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो स्प्लीन में माना गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर बुर्सा फैब्रिसियस जो है वो थोड़ा मेन फंक्शन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनते हैं लिम्फोसाइट्स, नॉट मतलब बनते नहीं है, आई मीन टू से यहाँ पे मैचुरेशन होता है, ठीक है ना, इसीलिए बुर्सा फैब्रिसियस थोड़े से बर्ड्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये इम्यूनोलॉजी में इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में बेसिक डिफरेंस क्या है, इनको हम क्यों कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है वो इन्हें हमने क्यों दे रखी है, ये कुछ तो रीज़न होगा ना इसलिए। लेकिन बुर्सा ऑफ फैब्रिसियस ये मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ये एब्सेंट होती है, लेकिन ये हमेशा स्क्रीन के इक्वल मानी गई है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग वहाँ आपने स्टडी ज़रूर किया होगा ये पोर्शन, डेफिनेटली थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होती है इम्यूनोलॉजी और थोड़ा सा वैसे भी ईजी भी होती है, ठीक है। तो चलिए, यस मैम, गुड। तो यहाँ होप सो क्लोएका समझ में आया होगा। क्लोएका आगे जाकर किस में खुलता है? क्लोएका अपर्चर में खुलता है, जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात की जाए क्लास। तो उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने होते हैं टोटल? टू। कौन कौन से होंगे? लिवर एंड पैनक्रियाज, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसमें ऐसे बताने लायक खास बात है नहीं, हम लोग इतने टाइम से जो एलिमेंट्री के अंदर स्टडी कर रहे हैं एज इट इज है सब कुछ, ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं सर, ठीक, कोई परेशानी नहीं। यहाँ कंप्लीट होता है क्लास आप लोगों का पिजन। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनिमल के बारे में, दैट इज अ रैबिट। मैमल में अब हमें स्टडी करनी है रैबिट के बारे में, ठीक है। तो रैबिट है या कोई भी, आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली टू पार्ट्स होते हैं,
है ना, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज और सेकंड इज डाइजेस्टिव, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अब तक तो रट जाना चाहिए, मैं इतनी बार लिख लिख के मैं परेशान हो गई उसको। ये माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, फिर हाँ बक्कल कैविटी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टमक, नेक्स्ट नेक्स्ट रेक्टम, ठीक है, रेक्टम पर आकर फिनिश कर दिया। रेक्टम से आगे आप एनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो चलिए Thank you.
हाँ भाई फाइनल ईयर। आप ज़रा सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में फिर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। हाँ भाई होप सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसके आगे फिर हम लोग कल बात करते हैं क्लास।